For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. What the movie want to know? It's beautiful. Very it's nice. Very well made. Very well made. Lovely acting. Excellent. I really recommend the movie for everybody. It's a nice movie. You can. So who's acting you like the most? All Siddharth of them. He's acted very well. Siddharth acted very well. In fact, Akshay Khanna, Sonakshi, everybody has acted well. How about the direction and lovely, all very well, right? Very well. So finally comes to look at who's the guilty person. Who's that? You should watch it. Yeah, we can't disclose it now. Then there's no fun in it. So how many stars would you like to give? 5. If it is out of 5. If it's out of 10, then 10. Yeah. Good, very nice. Thank you so much. The movie is good. The movie's good. Songs is good. Akshay Khanna was very, very nice. Yeah, thanks. अच्छी है, अच्छी है. स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है. स्क्रीन पे थोड़ा बेटर हो सकता था. अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज अक्षय खन्ना वॉज रियली नाइस, बट सिद्धार्थ और सोनाक्षी नॉट दैट ग्रेट. ओके, सॉरी, सॉन्ग्स तो थे ही नहीं, बैकग्राउंड था बस. सॉन्ग्स तो फिल्म में है नहीं. एंड जो भी क्लाइमैक्स है, जो भी है, दैट्स प्रीटी गुड. मतलब वन टाइम वॉच. डायरेक्शन इज़ फाइन, नॉट दैट ग्रेट. स्क्रीन प्ले जैसा मैंने कहा, इट कुड हैव बीन बेटर. थोड़ा सा बीच में फ्लैट पड़ जाता है, क्योंकि दो साइड की स्टोरी बताते होती एक जैसी है, बट उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया नहीं, तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है वो. अदरवाइज फिल्म वन टाइम वॉच है, देख सकते हो. बिकॉज इट्स अ थ्रिलर, वन टाइम तो देख ही सकते हो. 2.5. मैंने इत्तेफाक मूवी देखी है, तो मूवी वन टाइम वॉच है, ना ज़्यादा कन्विंसिंग है. बट हाँ, एंड तक थोड़ी पता नहीं चलता कि कौन गिल्टी है. सो एवरीवन शुड वॉच एटलीस्ट अ वन टाइम. स्टोरी टेलिंग जितनी ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर से जितना जज किया था, तो उससे खरी नहीं उतर पाई. कहीं ना कहीं फीकी पड़ती गई है. दो तरह से सेम स्टोरी दो अलग अलग वे पे बताई है, तो वो एक आइडिया कुछ अच्छा था. अक्षय खन्ना नेल्ड इट. एंड सोनाक्षी इज़ लाइक एज पर प्रीवियस मूवी से भी अगर उनको जज किया जाए तो इतनी कोई खास नहीं लगी मुझे. बट हाँ, सिद्धार्थ हैज डन रियली डन जॉब वेल. कम ऑन, इट्स अ थ्रिलर मूवी, सो नो मैसेजेस. लाइक आई वुड लाइक टू गिव एट लीस्ट 3 stars, दैट्स ऑल. ओके, सो कौन सी मूवी देखी आप? मैं फिलहाल इत्तेफाक मूवी देख के आई हूँ. कैसी लगी? काफ़ी अच्छी मूवी, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी मूवी आई है. थ्रिलर मूवी है तो अच्छी है. पहले इत्तेफाक से ज़्यादा अच्छी मूवी है ये. और मुझे अक्षय खन्ना की एक्टिंग इसमें ज़्यादा अच्छी लगी. सिद्धार्थ भी ठीक ठाक ही है, बट अक्षय खन्ना इज़ वेरी सुपर. फिर गाने की बात करें तो गाने किस तरह के थे? जैसे कहा जा रहा है कि गाने तो है ही नहीं, तो स्टोरी कन्वेंसिंग, गाने की कमी महसूस हुई है? वैसे थ्रिलर मूवी है तो गाने की कमी तो वैसे भी महसूस नहीं हुई, बट कभी मूवी है तो सॉन्ग भी तो होना चाहिए, ऐसा तो लगता ही है. चलो, जैसे तीन एक्टर है, अक्षय खन्ना है, सोनाक्षी है, सिद्धार्थ है, किसकी एक्टिंग ज़्यादा कन्विंसिंग और ज़्यादा अच्छी? इसमें सबसे ज़्यादा अक्षय खन्ना की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. कन्विंसिंग भी अच्छी भी है, और बहुत सीरियस मूड में उन्होंने बहुत एक्टिंग अच्छी की है. कितने स्टार्स देना चाहूँगी? आउट ऑफ 5 मैं 4.5 देना चाहूँगी. थैंक यू. कुछ मूवी देख के आ रहे? इत्तेफाक. किस तरह की लगी? ठीक थी मूवी. सस्पेंस अच्छा था, लेकिन एंड तक कुछ पता नहीं चल रहा था क्या चलो क्या नहीं, इसलिए इतना मजा नहीं आया. अच्छा, बांधे रखी थी स्टोरी? हाँ, ठीक. बहुत सस्पेंस ही ज़्यादा था मूवी में. स्टोरी कम सस्पेंस ही गेम चल रहा था उनका. ठीक थी मूवी. एक्टिंग वो अक्षय खन्ना, या आई डोंट नो नेम, बट अक्षय खन्ना इज़ अ वेरी गुड एक्टर इन दिस मूवी. दैट्स व्हाई आई तो क्या कर सकते, पूरा सिक्वेंस में सस्पेंस में सब खींच लिया. अभी सॉन्ग में उन लोग को ही मालूम क्या नहीं, क्या डायरेक्टर को मालूम क्या किया क्या नहीं. 3.5. थैंक यू. कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? इत्तेफाक. किस तरह की मूवी? बहुत अच्छी. क्या स्टोरी टेलिंग किस तरह की थी? एक्चुअली मूवी है सस्पेंस वाली है, और अक्षय खन्ना की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवी में. और मेन थिंग एंडिंग तो अलग, जो सस्पेंस दिखा है, जो मारा नहीं है, वो मेरे को बहुत पसंद है मूवी में से. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी सेकेंड मूवी इज बेटर, सस्पेंस इज अ मेन थिंग. सॉन्ग से सब कुछ नहीं है, मूवी का जो मेन हिस्टोरिकल, दैट्स इम्पोर्टेंट. मेरे तरफ से मैं 3 स्टार दूंगा.
वेलकम।